हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो और उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर से होंगे और भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों आज ये गुटकी का जो चार्जर है अपने पास रिपेयर होने के लिए, अमूमन आते रहते हैं अपन बनाते रहते हैं, तो अमूमन इसके जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें फॉल्ट आ जाता है, तो इसकी ये IC 3843 इसका जीना डाइवर्ट उसका मॉस्फेट वगैरह ख़राब होते रहते, तो इसमें अमूमन अपन बनाते बनाते बहुत से नुकसान कर बैठते हैं। तो अपन उस नुकसान के बचने के लिए आज आप बढ़िया टिका भाइयों के लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखना, स्किप के बगैर देखना। अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके, ऐसी मजेदार इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाई को टाइम पे मिले, और साथ साथ लाइक भी किया करो दोस्तों। लाइक तो बिल्कुल कम आते हैं, तो लाइक भी किया करो। इतनी बढ़िया बढ़िया टिक आप दोस्तों के लिए लेके आता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये जो फार्मूला मैं आप दोस्तों को देने जा रहा हूँ, इसमें आपको क्या होगा, जो भी चार्जर बनाओगे इसी तरीके से रिपेयर कर सकोगे, उसमें कोई भी आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। फर्ज करो आपके पास कोई ऐसा चार्जर रिपेयर होने के लिए आया है गुटकी का, या XYZ कोई भी चार्जर हो, इसमें ऐसा फॉल्ट आ रहा है भाई, अभी हमने मॉस्फेट नया लगाया, इसका जीना डाइवर्ट लगाया, 8443 IC लगाया, स्विच लगाया और IR इसके 8443 IC तो, और ये जीना डाइवर्ट शार्ट हो जाते हैं, तो ऐसा फॉल्ट आया है आपके पास, आपसे रिपेयर नहीं हो रहा है, तो उसमें फॉल्ट दोस्तों अमूमन ये होता है, इसके ओवर वोल्ट बनते हैं, इसकी जो लगी हुई है ये वाली PC 817 इसके ये कंट्रोल नहीं करती है, वोल्ट कंट्रोल नहीं करती, इस वजह से अपन के ये पीछे वाले वोल्ट आवर होने की वजह से, जहाँ से जो चोपर वोल्ट बनाता है जीनर को देता है, ये जीनर भी जल जाता है, जो जीनर को वोल्ट आते हैं 8443 को ज़्यादा आते हैं, जो ये भी जल जाती है, या जब भी 8443 को ज़्यादा वोल्ट आते हैं तो इसके मॉस्फेट बेस बनाता है ज़्यादा, वो मॉस्फेट भी जल जाते हैं। तो आज इस नुकसान के बचने के लिए अपन एक बढ़िया टिक दे रहा हूँ दोस्तों को, ठीक है दोस्तों। ये चाइना का मॉडल है CA 888, ठीक है दोस्तों, ये चाइना का मॉडल है। तो इसमें अगर कोई ऐसा फॉल्ट आ जाए आपको से हल नहीं हो रहा भाई, जैसे देखो इसमें 8443 जैसे अपन चेक करते करते जल जाते हैं यार, अभी तो ये नुकसान कर रहा है, इससे बेहतर है तो अपन इसको फिट करके दे दे वापसी। तो ऐसा काफ़ी मरतबा मेरे से भी हुआ है, ऐसे नहीं मेरे से भी नहीं हुआ है, तो फिर मगनमारी जाके मैंने की तो मैंने ये टिक ढूंढी थी, आज भी अभी उसे शेयर करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा मॉस्फेट लगाना है इसको, ऐसे नहीं ऐसा मॉस्फेट लगा के आप कस्टमर को फिट करके दे दो भाई, अगर ये सिर्फ चेक करने के लिए जब तक इसको बनाओ तब तक ये इसको लगाना चाहिए, इसमें ये कम एम्पियर पे चलता है, ज़्यादा एम्पियर में नहीं चलेगा दोस्तों। तो अपन को सिर्फ इसको बनाने तक इसको लगाना है, जब भाई देखो अभी इसका आउटपुट कंट्रोल में आ गया, इसका VR काम कर रहा है, वेरिएबल काम कर रहा है, अपने वोल्ट प्रॉपर रेडी है, ठीक है दोस्तों। तो अपने वोल्ट प्रॉपर रेट है भाई, अभी अपना VR काम कर रहा है, वेरिएबल काम कर रहा है, इसकी PC कंट्रोल में काम कर रही है, उसके बाद फिर अपन इसको कर लेंगे ओपन, फिर इसके लगाएंगे ओरिजिनल अपने इसके 843 जीना डायोड, उसका मॉस्फेट लगाएंगे, फिर अपन का ये चार्जर जलेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने तरीका तो दोस्तों ने मरतबा अपलोड किया हुआ है, और आप दोस्तों ने काफ़ी मरतबा किसी दोस्तों के चैनल पर भी देखा होगा, और यूट्यूब पर काफ़ी सारे ऐसे पड़े हुए हैं तरीके, तो ये मैं आप दोस्तों को बिल्कुल इजी तरीके से बताता हूँ। इसमें ये तीन चार पाँच तारे लगानी है अपन को, ठीक है। ये ब्लैक, ये ग्राउंड की होती है, ये जो हरे कलर की तार है ये अपन को लगेगी फिल्टर में, मेन फिल्टर में 400 वोल्ट में, ठीक है दोस्तों, मेन फिल्टर में। बाकी लगे तीन तारें, ये लगेगी यहाँ पर जो जीना डावर लगा होता है 24 वोल्ट का, ठीक है, वहाँ पर लगेगी, यहाँ पर जो IC को बेसिंग देता है स्टार्टिंग, तो ये यहाँ पे लगेगी, और ये एक तार बचेगी, ये अपन की लगेगी इस मॉस्फेट कलेक्टर में, दूसरी तार लगेगी ये अपन की PC में, एक ग्राउंड होगी और एक ग्राउंड के जो दूसरी वाली पिन नंबर है उसमें लगेगी, ठीक है। तो ये मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कनेक्शन कर लिए, फिर भी एक मरतबा आप दोस्तों को फिर दोबारा बता देता हूँ, बताने का मकसद मेरा है, अगर कोई दोस्त नया नया काम शुरू किया है उसने, तो उसको इजी रहे, ठीक है। अमूमन दोस्त क्या करते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी सारी मैंने वीडियो देखी है, तो असल में काम तरीका वही होता है, पर असल में जल्दी में बताते हैं तो हमें भी समझ में नहीं आता, तो इस वजह से मैं आप दोस्तों को एक एक चीज़ गाइड करता हूँ ताकि आप दोस्तों को भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो, मैंने इसकी जो ब्लैक कलर की तार इसकी ये फिल्टर में माइनस में लगाई हुई है, और ये ग्रे कलर की तार ग्रीन कलर की इसके प्लस में लगाई हुई है, और ये पीले कलर की तार इसके जो बेस नहीं सॉरी कलेक्टर में लगाई हुई है, ठीक है, मॉस्फेट के चोपर में, ठीक है।
और इसकी ये रेड कलर की यह तार है जो चोपर से इसके वोल्ट बनते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर लगा होता है, यहाँ बिजिनर ड्राइवर लगा होता है, बिजिनर ड्राइवर के करंट पे लगानी है, ठीक है। और एक तार अपन की जो वाइट कलर की बचेगी, एक ये पीसी की माइनस की होती है, ऑलरेडी माइनस में लगी होती है, दूसरी जो तार बचे उसमें से, ठीक है। तो अभी अपन इसको देंगे 220 की तार, 220 की तार देंगे। अगर अपन का कंट्रोल नहीं करता है ना भाई, आउटपुट कंट्रोल नहीं करता, जिसकी वजह से इसकी आईसी जलती है, तो आपका भाई अभी कंट्रोल नहीं कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर रहा है तो अपने ये आईआर जलेगा नहीं, ठीक है। आईआर नहीं बल्कि ये एसटीआर मॉडल नहीं जलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अपन को नुकसान से बच सकते हैं, ठीक है। तो अमूमन दोस्त काफ़ी सारे मेरे ऊपर कमेंट भी आए थे, यार उस्ताद हमें चार्जर बनाते बनाते नुकसान हो जाता है हमारा, तो हमारे से काफ़ी मरतबा ये चीज़ें जल जाती हैं। तो अब मैं आप दोस्तों को ऐसे ही ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिस तरीके से आप काम करोगे तो इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा, आप कमाओगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी वीडियो पूरा देखा करो, अमूमन दोस्त वीडियो देखते हैं आधी, फिर कमेंट कर देते भाई कैसे होगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी 220 के मैंने तार लगा दिए, तो अभी लगा रहा हूँ मैं सप्लाई में, एक मरतबा अपन फिर इसको ध्यान से देखना है, सही है, ऐसे नहीं अपन ने उल्टी तार लगा दी। काफ़ी मरतबा ऐसे मेरे से भी हुआ है, ऐसे नहीं मैंने कभी भी ये जलाया नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं ये आपने लगा दिया है बस परफेक्ट ओके होगा। तो एक मरतबा फिर अपन ध्यान से देख लेंगे भाई तारें सही हैं। तो अभी मैंने ध्यान से देख लिया इसकी तारें ठीक है, ठीक है। तो अभी लगा रहा हूँ 220 में मैंने इसकी सप्लाई, ठीक है, 220 में इसकी सप्लाई लगा रहा हूँ, ठीक है। मैंने 220 में तार लगा दी, सप्लाई लगा दी। तो अभी इसके चेक करते हैं वोल्टेज यहाँ पे बने नहीं बने, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बन गए 10.51, जो ना 11 वोल्ट अपने बने, तो ये वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये चार्जर अपना रेडी है, इस वजह से इसमें वोल्टेज कम बन रहे हैं। तो अभी इसमें थोड़ा वीआर से इसके वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो वीआर से मैं थोड़ा वोल्टेज के बढ़ा लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वीआर से मैंने इसके वोल्टेज थोड़ा बढ़ा लिए, थोड़ी यहाँ से कम हो गए, उस तरफ बढ़ेंगे तो घुमा लेता हूँ, उल्टा रखा हुआ था इस वजह से मैंने थोड़ा उल्टा घुमा दिया, ठीक है दोस्तों। देखो अपने वोल्टेज कितने हो गए, 19 हो गए, ठीक है। वोल्टेज कितने हो गए अपन ध्यान देखना, 19 हो गए, ठीक है। तो 19 हो गए, अभी यहाँ पे अपन चेक करेंगे वोल्ट अपन के कितने मिल रहे हैं, 11, 12, 13, 14 पोलो ये अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी ये अपन का जल नहीं रहा है, ठीक है, ये किस वजह से नहीं जल रहा है, अगर यहाँ पे 8 से 43 लगी होती, ये मोस्फेट लगा होता तो उसी टाइम जल जाता, ठीक है। तो अभी अपन करेंगे क्या, ये वीआर निकाल देंगे, ठीक है, वीआर निकाल देंगे। मैं ये प्रैक्टिकली आप दोस्तों को बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीआर मैंने कर लिया ओपन, ठीक है। तो अभी अपन को क्या करेंगे, जैसे इसमें आप बता दो कमेंट करके आप क्या करोगे इसमें। अभी वीआर मैंने निकाल दिया है, जैसे ही स्विच लगाएंगे वोल्ट बढ़ेंगे, वोल्ट बढ़ेंगे ना, तो नहीं दोस्तों बिल्कुल वोल्ट नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ये लगा हुआ है अपना CA888 STR मॉडल, ठीक है। तो इसमें वोल्ट नहीं बढ़ेंगे और ये जलेगा नहीं, ठीक है। अगर इस जगह से IC8443 या ये मॉस्फेट लगा होता तो ये जल जाता, ठीक है। जैसे इसके दिन ये वेरिएबल ख़राब होता तो ये जल जाता, तो अभी जलेगा नहीं। मैं आप दोस्तों को 220 में तार लगा दी मैंने, ठीक है दोस्तों, ये लगा दी। तो अभी आप दोस्तों को वोल्ट चेक करा रहा हूँ, देखिए इसके वोल्ट बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, कम हो गए, ठीक है, 6 वोल्ट आगे, 6-7 वोल्ट बन रहे हैं ये अपन ने वीआर निकालने के बाद। तो अपन यहाँ पर चेक करेंगे वोल्ट कितने बन रहे हैं, इनर पे 9 वोल्ट, फिर भी नहीं जलेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 8 से 43 आईसी लगी होती और यहाँ पे जीनर लगा ऑलरेडी लगा हुआ है और ये मॉस्फेट लगा होता तो ये मॉस्फेट और जीनर डायोड और आईसी अपने की जल चुकी होती, ठीक है दोस्तों। तो अभी अपन करेंगे क्या भाई, अभी देखो अपन की फर्ज करो मैंने वेरिएबल निकाल दिया, ठीक है, वेरिएबल मैंने निकाल दिया, फिर भी अपना ये मॉस्फेट ये एसटीआर मॉडल जला नहीं, ठीक है। अगर वेरी होगा फिर भी अपने 8 से 43 आईसी जल जाएगी, फिर कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई फॉल्ट आपके पास आ जाए, मेरा समझाने का मकसद जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है उसको थोड़ा आप ध्यान से समझना, सही है। अगर ये वीआर ख़राब होगा फिर भी अपनी 8 से 43 आईसी और जीनर डाइवर्ट और ये मॉस्फेट जल जाएंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले अपन को करना क्या होगा, अगर ऐसा फॉल्ट आपके पास बार बार आ रहा है, जैसे देखो आप आईसी लगा रहे हो, जीनर डाइवर्ट लगा रहे हो और मोसफेट लगा रहे हो, आप स्विच लगा रहे हो, उसकी तीनों चीज़ें जल जा रही हैं, तो अपन क्या सबसे पहले ऐसा मॉडल पकड़ेंगे, एक मॉडल मंगवा के रखो, एक दो पीस मंगवा के रखो, अगर चार्जर रिपेयर करते हो तो। ये अमूमन हर चीज़ में काम आता है, अगर चार्जर रिपेयर करते हो उसमें भी लग जाता है, अगर रिसीवर रिपेयर करते हो तो रिसीवर में तो ऑलरेडी मैं सारे सप्लाई जो कि जल के आ रही है ना मेरे पास, तो उसकी सप्लाई मैं न्यू नहीं लगा रहा हूँ, ये मॉडल लगा रहा हूँ, बेहतरीन काम करता है। रिसीवर में कोई भी रिसीवर एक्स वाई जेड आ जाए उसमें लगा सकते हो, तो ये मैं मॉडल उसमें लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने मॉडल एक दो तीन आप मंगवा के रख दो, अगर सिर्फ रिसीवर इसका इन्वर्टर का और यू चार्जर का काम करते हो तो ये मॉडल फिर भी आपको काम आएगा, ऐसे ऐसे फॉल्ट निकालने में काम आता है जिससे आपकी बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अभी अपन को जैसे देखो इसका वीयर खराब है, वीयर लगाया फिर चेक किया भाई, अभी इसकी अप डाउन वोल्ट हो रहे हैं, चेक किया यहाँ पे अप डाउन वोल्ट हो रहे हैं, अप डाउन वोल्ट अगर हो रहे हैं तो ठीक है, अगर अप डाउन वोल्ट नहीं हो रहे हैं तो फिर भी आगे कोई फॉल्ट होगा, जीनर पीसी भी खराब हो सकती है, इसकी रेस्टें भी दो तीन रेस्टें लगी होती हैं वो भी खराब हो सकती है, तो आपने इजी तरीके से उसको फॉल्ट ट्रेस करके फिर ये एसटीआर मॉडल निकाल लेना है, फिर इसके अपने पार्ट्स लगाने और इजी तरीके से कस्टमर को बना के दे सकते हो, इसमें आपको नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। जैसे अमूमन क्या करते हैं, जैसे फ़र्ज करो इसका ये वीयर ख़राब है फिर भी आईसी जल गई, इसकी एक रेस्टोरेंट कहाँ से ब्रेक है अपन को पता नहीं लग रहा है फिर भी इसके एसटीआर आईसी लगाते लगाते जल जाती हैं, तो ऐसे फॉल्ट से बचने के लिए इजी तरीके से आप कोई भी चार्जर एक्स वाई जेड कोई भी चार्जर आ गया उसको रिपेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है तो मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, मेरी बातें वीडियो थोड़ी लंबी होती है पर एक एक चीज़ आप दोस्तों के काम की होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्किप के बगैर देखा करो, अगर नया नया काम कर रहे हो, अगर ऑलरेडी काम भी कर काफ़ी अरसा हो गया आप काम कर रहे हो फिर भी मैं आपको नया नया आइडिया देता हूँ, नए नए टिके देता हूँ, अब उम्मीद है तो मेरे वीडियो से आपको अच्छी सारी गाइड मिली होगी। ठीक है, आप जो भी फॉल्ट निकाला होगा मैंने प्रैक्टिकली आप दोस्तों को बताया होगा इस तरीके से मैंने फॉल्ट निकाला है, कोई भी ऐसे यूट्यूबर होते हैं भाई वीडियो बना के अपलोड कर दी समझ में कुछ नहीं आता, तो ऐसा कुछ नहीं होता मेरी वीडियो में, मैं एक एक चीज़ आप दोस्तों को समझाता हूँ, एक एक चीज़ बताता हूँ आप दोस्तों को, तो मेरी वीडियो स्किप के बगैर देखा करो अगर रिपेयरिंग का शौक़ रखते हो। ठीक है दोस्तों, अगर शौक नहीं है वैसे देख लिया तो आपकी मर्ज़ी है, फिर भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ मेरे अपने चैनल पे, तो ये मेरा चैनल खुद का नहीं है, ये आप भाई जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं दोस्तों के चैनल हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, तो मेरी वीडियो पूरा देखा करो, आपको नॉलेज पूरी मिले, आधी वीडियो देखोगे तो नॉलेज आधी मिलेगी, तो उम्मीद है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, दोस्तों से शेयर करना, मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।